नीचे से लिखिए मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली ये मैथमेटिकली ई इंटीरियर हो गया। फिर लिखिए, लिखिए हैंस, हैंस ए बिलोंग्स टू ई, hence a belongs to e is said to be, hence a belongs to e is said to be interior point of e, is said to be interior point of e comma if, if there exist r greater than 0, if there exist r greater than 0 such that SAR is contained in E, such that SAR is contained in E, हो गया। नीचे से लिखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट of E is called interior of E, is called interior of E and is denoted by देखिए A के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, E के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, उसको डिनोट करते हैं या तो इससे या कुछ किताबों में लिखा होता है आई एन टी ऑफ ई से। इन दोनों का मतलब होता है कि ई के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, ई के सारे इंटीरियर पॉइंट का मतलब कलेक्शन मतलब ई के वो सब पॉइंट्स जिनको सेंटर मान करके कम से कम एक ओपन स्पेयर ऐसा खींचा जाए जो ई में ही क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। ठीक है, देखिए डिनोटेड बाय ई इंटीरियर और आई एन टी ई। हो गया। नेक्स्ट लिखिए ओपन सेट, ओपन सेट, ओपन सेट देखिए कोई भी सेट ओपन तब कहलाता है जब उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो। जैसे ये कमरा, हम एकदम श्योर है कि हमको सेंटर मान करके छोटा सा ओपन रेडियस का एक ऐसा ओपन स्पेयर हम बना सकते हैं जो उस कमरे में कंटेन करें, उनको सेंटर मान करके 0.25 सेंटीमीटर का ओपन स्पेयर खींचेंगे तो वो उस कमरे में होगा, उनको सेंटर मान करके हाफ मीटर का ओपन स्पेयर खींचेंगे तो वो इस कमरे में होगा, उनको सेंटर मान करके 0.1 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो वो इस कमरे में होगा, इनको सेंटर मान करके भी अगर हम ओपन स्पेयर बनाते तो वो इस कमरे में होगा। तो ये कमरा हमारा ओपन सेट है।
क्योंकि इस कमरे में हम सब जितने लोग हैं, हम सबको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर इसी कमरे में क्या कर गया, कंटेन कर गया, तो हम डैम श्योर है कि ये कमरा हमारा ओपन सेट है। अगर किसी कमरे में 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 10000 हैं, 50000 हैं, जितने भी लोग हैं, सबको सेंटर मान करके कम से कम एक ओपन स्पेयर ऐसा ड्रॉ किया जा सके जो इसी कमरे में हो, तो उस केस में उस सेट को क्या कहते हैं, ओपन सेट। दैट इज ओपन सेट इज दैट सेट हुज ऑल द पॉइंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। किसी सेट का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है तो वो सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। ठीक है, लिखिए, कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आप डेफिनेशंस में, होगा उसको पढ़ते रहिएगा और जब 8-10 बार बोलने लग जाएंगे तब क्लियर होगा। इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड एक दो दिन स्लो करेंगे मेट्रिक स्पेस का, क्योंकि अगर हमको पता हम हड़बड़ा जाएंगे तो आपका ये सेक्शन एकदम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम खुद आराम आराम से चलेंगे कि जिससे आपका ये सेक्शन आउट ना होने पाए। ये मेन सेक्शन है आपका, ये आउट हो गया तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा। मतलब अब जो पूरी मेट्रिक स्पेस की मेहनत होती है वो इसी सेक्शन पे होती है, ये इन्हीं 7-8 डेफिनेशंस पे होती है, उसके बाद तो सब ठीक है। ठीक है, लिखिए, आ सेट इज सेट टू बी ओपन, आ सेट इज सेट टू बी ओपन, सेट इज सेट टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट कॉमा इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। हो गया भाई, रिमार्क, जितने रिमार्क लिखवाएंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, ई इंटीरियर का क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल आई पी का मतलब इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। इस कमरे को देखिए, मान लीजिए वो भी इंटीरियर पॉइंट बन गए, वो भी इंटीरियर पॉइंट बन गए, आप भी बन गए, हम भी इंटीरियर पॉइंट बन गए, हम सब इंटीरियर पॉइंट बन गए। ठीक, इस कमरे में अगर हम 5 लोग हों और 5 के 5 इंटीरियर पॉइंट बन गए, तो ई इंटीरियर जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा, ई के बराबर। जैसे मान लीजिए ई में 1, 2, 3, 4, 5 है, कितने एलिमेंट्स हैं, 5। ई इंटीरियर निकाल रहे हैं, कहेंगे ई इंटीरियर में ई के वो मेंबर आएंगे जो उसके इंटीरियर पॉइंट है, ई इंटीरियर में ई के वो मेंबर आएंगे जो उसके इंटीरियर पॉइंट है। मान लीजिए 1 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में कंटेन कर गया, ये इंटीरियर पॉइंट। 2 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में कंटेन कर गया, ये इंटीरियर पॉइंट। 3 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में कंटेन कर गया, ये इंटीरियर पॉइंट। 4 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में कंटेन कर गया, ये इंटीरियर पॉइंट। 5 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसमें कंटेन कर गया, ये इंटीरियर पॉइंट। और समझिए, यहाँ देखिए, ये x कॉमा d था, ठीक, ये e था, ठीक, e में 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर हमने लिए थे। ठीक, e इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। वन को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर e में कंटेन कर गया, तो 1 e इंटीरियर का मेंबर होगा। ठीक, 2 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में कंटेन कर रहा है, तो 2 भी ई इंटीरियर का मेंबर होगा। 3 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर भी ई में कंटेन कर रहा है, तो 3 भी ई इंटीरियर का मेंबर होगा। 4 को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर भी ई में कंटेन कर रहा है, तो 4 भी इसका मेंबर होगा।
फाइव को सेंटर मान करके खींचा गया, ओपन स्पेयर भी ई में कंटेन कर रहा है तो फाइव भी इसका मेंबर होगा। हम सिक्स को भी चेक करेंगे ना, सिक्स को चेक करें? नहीं। क्यों? क्योंकि कहा गया था कमरे के ही केवल पॉइंट्स को चेक करना है, बाहर के पॉइंट को चेक नहीं करना है, तो इसको हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं ई किसके बराबर हो गया, ई इंटीरियर के। ई किसके बराबर हो गया? ई इंटीरियर के। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि उसका सारा पॉइंट उसका कैसा पॉइंट हो गया? इंटीरियर पॉइंट। तो जब कोई सेट ओपन होता है, मान लीजिए ई ओपन है, तो ई बराबर ई इंटीरियर। अगर ये ओपन है तो इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट, मतलब ये अपने आप किसके बराबर होगा? ई इंटीरियर के। अगर ए ओपन सेट है तो ए इंटीरियर बराबर ए, बी ओपन सेट है तो बी इंटीरियर बराबर बी, सी ओपन सेट है सी इंटीरियर बराबर सी, डी ओपन सेट है डी इंटीरियर बराबर डी। अगर हमने आपसे कहा कि ये कोई सबसेट है एफ, चेक करो इंटीरियर है या नहीं, तो सीधे ढूंढ के निकालिए कि क्या एफ इंटीरियर एफ के बराबर आ रहा है। अगर एफ इंटीरियर एफ के बराबर होगा तो वो ओपन होगा, अदरवाइज वो ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, लिखिए इफ, हाँ रिमार्क में पहला पॉइंट, इफ ई इज एन ओपन सेट, इफ ई इज एन ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, इफ ई इज एन ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, देन ई इंटीरियर बराबर ई, देन ई इंटीरियर बराबर ई, देन ई इंटीरियर बराबर ई। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ई ओपन सेट है, अगर ई ओपन सेट होगा तो उसका सारा पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ई, उसका आईपी होगा। ध्यान समझिएगा, ई अगर ओपन सेट है तो ई के फॉर एवरी मतलब सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक, अगर ए इंटीरियर पॉइंट है तो उसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट, अगर ए इंटीरियर पॉइंट होगा तो कम से कम ए को सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर ऐसा खींचा जाएगा जो ई में ही क्या करेगा? कंटेन करेगा। ठीक, बारी बारी से बताए हैं ये आपको। ई ओपन होगा तो ई के सारे फॉर एवरी पॉइंट्स उसके कैसे पॉइंट होंगे? इंटीरियर पॉइंट। अगर ए इंटीरियर पॉइंट है तो कम से कम एक रेडियस का आर ओपन स्पेयर ऐसा खींचा जाएगा जो ई में क्या कर जाएगा? कंटेन कर जाएगा। कंबाइंड कर दीजिए, अगर ई ओपन सेट होगा तो देयर एग्जिस्ट सम आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ये फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ई, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ई। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? लिखिए दूसरा पॉइंट, इफ ई इज एन ओपन सेट, इफ ई इज एन ओपन सेट, इफ ई इज एन ओपन सेट, तो इफ एंड ओनली इफ के साथ देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस ए आर कंटेन करेगा ई में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ई। समझ में आई? ई ओपन होगा तो उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट,
सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट मतलब एक रेडियस जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही क्या करेगा, कंटेन करेगा। मतलब इन तीनों डेफिनेशन को मैंने कंबाइंड कर दिया है। यही सब मेन है आपका, मतलब मेन जो दिक्कत आती है ओपन सेट, ओपन स्पेयर, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, ये चार आपस में खिचड़ी बनाते हैं, जिसमें से तीन चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ओपन स्पेयर, ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट, चौथा खिचड़ी बनाना बाकी है अभी। यही चार मिलकर मैटर को गड़बड़ाते हैं और इन्हीं चार का अंत तक यूज़ है। तो यहाँ पे आराम आराम से चलिए, कोर्स तो हम करा ले जाएंगे, यही ना होगा दो घंटा और बैठा देंगे तो कोर्स तो हो जाएगा, लेकिन मेन आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर करके चलिए, यहीं पे मेन दिक्कत होती है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, समझिएगा तब कुछ आएगा। थर्ड पॉइंट पे आर कॉमा डी यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूएमएस मतलब यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में आपको बताया गया था डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। दशहरे के बाद जब आइएगा तो सारा मैट्रिक स्पेस रट्टू तोता की तरह रट के आइएगा, ठीक है। डिस्क्रीट सॉरी यूजुअल, डिस्क्रीट, इक्लूडियन, मिनकोवस्कीज, सब जरा रट के आइएगा, ताकि हम आपको बोलें यूजुअल तो आपको पता हो मैम क्या बोल रही हैं, हम बोले डिस्क्रीट तो आपको पता हो क्या बोला गया है, इक्लूडियन तो पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। बेसिकली नहीं, तीन का यूज़ होता है, जरा इसको याद करके आइएगा, ठीक है। अब देखिए, हम नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि नेचुरल नंबर में से कौन कौन से मेंबर उसका इंटीरियर पॉइंट बनाते हैं, ठीक। किसके तहत देखना चाह रहे हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस के तहत देखना चाह रहे हैं। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक सबसेट ले लिया n और चेक करना चाहते हैं कि n के कौन कौन से मेंबर उसके इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। बहुत इत्मीनान से बस समझिए, खेल की तरह जहाँ आना है टोक दीजिएगा। ये रियल नंबर लाइन है आर, ठीक। रियल नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर इधर, फिर ठीक। नेचुरल नंबर कौन है इसमें से, वन से शुरुआत होगी, यहाँ तक बढ़ेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। n का इंटीरियर निकालना है तो n के कौन कौन से पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। अगर e का इंटीरियर निकालना था तो e के कौन कौन से पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। जैसे इस डब्बे में आपसे कहा गया था कि जो e के अंदर है केवल उसी पे चर्चा करिएगा, जो बाहर है उसकी चर्चा दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो अगर n इंटीरियर निकालना है तो n के पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। n के पॉइंट भैया हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं, है ना। इसमें से कोई एक पॉइंट जो आपका बहुत चहिता पॉइंट हो उसको ले लीजिए, हम इसको ले रहे हैं। उन्होंने कहा टू को लीजिए, हम टू को ले रहे हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि टू हमारा इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। क्या चेक करना चाहते हैं, टू हमारा इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। अगर टू इंटीरियर पॉइंट होगा तो टू को सेंटर मान के बहुत छोटा सा ओपन स्पेयर आप बना सकते हैं जो उसी में क्या कर जाए, कंटेन कर जाए, क्लियर। देखिए एप्साइलन से छोटा कुछ और जानते हैं क्या, एप्साइलन से छोटा कुछ जानते हैं, हम तो नहीं जानते, आप कुछ जानते हो तो बताइए, हम वो छोटा ले लें, नहीं ना। सिंस टू बिलोंग्स टू एन, देन देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो सच दैट टू को सेंटर, एप्साइलन को रेडियस मान के एक ओपन स्पेयर बना रहे हैं। अगर ये ओपन स्पेयर n में कंटेन कर गया, अगर ये ओपन स्पेयर
n में कंटेन कर गया तो a इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, तो 2 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, अदरवाइज इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ठीक, इज इक्वल टू परिभाषा होती है इसकी, कहते हैं एस ए कॉमा जीरो इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस, ठीक, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू इज लेस देन एप्साइलन। एक्स कॉमा ए, एक्स कॉमा ए, ये एस है, ये डी है, ठीक है, और नहीं याद हो तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है, कहीं मत जाइए, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होता है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में एस ए आर का मान ओपन इंटरवल ए माइनस आर कॉमा ए प्लस आर होता है ना, सिद्ध करके दिखा रहे हैं कैसे, देखिए, दिस इम्प्लाइज एस टू कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर मॉड एक्स माइनस टू लेस देन एप्साइलन, ठीक है, आप बताइए, ठीक है, आगे बढ़े, देखिए एस टू कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, समझाए थे, माइनस एप्साइलन एक्स माइनस टू प्लस एप्साइलन, ठीक, एस टू कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, दो को जोड़ दीजिए, टू माइनस एप्साइलन एक्स टू प्लस एप्साइलन, एस टू कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन, एस टू कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू आर इंटरसेक्शन 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन, एस टू कॉमा एप्साइलन इज इक्वल टू 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन। देख लीजिए, ओपन इंटरवल ए माइनस आर कॉमा ए प्लस आर, ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, ये इससे एक्स वाई था तो एक्स माइनस वाई, एक्स और टू है तो एक्स माइनस टू है ना, आर के हर मेंबर के लिए होल्ड होता है, टू भी तो आर का मेंबर है, टू भी आर का मेंबर है, ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई भी कोई डाउट नहीं। अब देखिए, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, दो नेचुरल नंबर के बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक, वन के बाद सीधे टू आएगा नेचुरल नंबर में, टू के बाद थ्री आएगा, लेकिन यहाँ देखिए टू माइनस एप्साइलन और टू प्लस एप्साइलन, टू माइनस एप्साइलन और टू प्लस एप्साइलन के बीच में ढेर सारे रियल नंबर होंगे और कोई भी रियल नंबर n में कंटेन नहीं करेगा, 2 माइनस एप्साइलन और 2 प्लस एप्साइलन ये भी n में कंटेन नहीं करेगा, एप्साइलन की वैल्यू ले लीजिए 0.5, तो आप कहेंगे 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन का मतलब 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5 कॉमा 3.5, इसके बीच में ढेर सारे मेंबर ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर में पाए नहीं जाएंगे, क्यों, 1.53 1.56 1.58 1.59 ये सारे के सारे मेंबर नेचुरल नंबर में पाए नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये इसमें कंटेन नहीं करेगा, मतलब ये इसमें कंटेन नहीं किया, ये इसमें कंटेन नहीं किया तो 2 नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और 2 नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो एन इंटीरियर की वैल्यू 5, ठीक है, ये जो मिला इसके अंदर बहुत सारे साधारण सा मोटा सा मतलब समझिए, बिटवीन दीज टू रियल नंबर
ये रियल नंबर के मेंबर्स थे. बिटवीन दीज टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर एन में कंटेन नहीं करता है, इरेशनल नंबर भी एन में कंटेन नहीं करता है. मतलब ये एन में कंटेन नहीं करेगा तो ये भी एन में कंटेन नहीं करेगा. ये एन में कंटेन नहीं किया तो ए इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. ए इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. और एन का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है मतलब एन इंटीरियर इज इक्वल टू 5. समझ में आया पूरा? बस इसके बाद आवाज नहीं पढ़ाएंगे वरना खिचड़ी बन जाएगी. लिखिए तीसरा पॉइंट. लिखिए इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी. तीसरा पॉइंट लिखिए इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी नीचे से लिखे एन इंटीरियर इज इक्वल टू 5. अब हम ये सब नहीं लिखवा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि यूजुअल का मतलब ये है. इसीलिए क्या रट्टा मार लीजिएगा आर कॉमा डी. ये लिखा है इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर कॉमा डी नीचे से लिखे एन इंटीरियर इज इक्वल टू 5. एन इंटीरियर इज इक्वल टू 5 लिख लिया. बड़ा सा डब्बा बनाइए नीचे और ये पूरा एक्सप्लेनेशन उतार लीजिए. ये सब वाइवा में खूब पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है. समझा इसलिए दिए पूरा करके कि भूल ना जाए. लिखने के लिए भी इसीलिए कह रहे हैं कि याद रहे एग्जामिनेशन में कि कैसे हुआ था. डायग्राम वगैरह सब बनेगा. मोबाइल देख रहा होगा या टीवी देख रहा होगा. आ गई आवाज़. या तो रहे तो मोबाइल देख रहा होगा या टीवी देख रहा होगा, दो ही काम है उसके जीवन में. हाँ ट्यूसडे को अब आप लोग आइएगा. हाँ पढ़िएगा प्लीज़ छुट्टी में, है ना. दोनों दिन घूमने में मत बिताइएगा. पता चला पूरा पूरा 2.5-3 दिन घूम फिर रहे हैं ना, इस बार कुछ घूमने फिरने लायक है ना, घूमिए फिरिए, कोविड का डर है. तो प्लीज़ पूरे दिन नहीं लेकिन 2-4 घंटा तो कॉपी पे निकाल करके अपनी कृपा दृष्टि बरसाइएगा और पढ़िएगा. पढ़ाई काम आती है जीवन में और कुछ काम नहीं आता है. जितना इसको पढ़ेंगे उतने मन में क्वेश्चंस आएंगे, उतनी क्वेरीज आएंगी, उतनी चीज़ें समझ में आएंगी. तो उसको पढ़िएगा कम से कम और आप अपना पहले का कंप्लीट कर लीजिएगा इस 2 दिन की छुट्टी में.
आपने कहा था कि टू पे चेक करने के लिए, तो हमने कहा इंटीरियर पॉइंट उसी सेट का मेंबर होता है, तो एन पे चेक करना है तो एन का एक मेंबर हमने क्या लिया, टू, टू बिलोंग्स टू एन, तो ये इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब इसके करस्पॉन्डिंग एक छोटी से छोटी रेडियस लें, उसको सेंटर, उसको रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर, उसी में कंटेन हो। तो हमने टू बिलोंग्स टू एन, उसके करस्पॉन्डिंग सबसे छोटी हमने रेडियस ले ली, लेकिन तब भी वो एन में कंटेन नहीं किया। हमेशा छोटी से छोटी लेंगे, छोटी से छोटी जितनी आप लेंगे, क्योंकि छोटे से छोटा को ही कंटेन कराना है, कम से कम एक कंटेन हो, तो जितनी छोटी आप जानती हैं उतनी छोटी आप ले लीजिए। हो गया भाई? अभी लिखवाएंगे एक लाइन, रखिए मत। हो गया यहाँ तक? नीचे से लिखिए, एज द इंटरवल, ये क्यों इसमें कंटेन नहीं किया, क्यों इसमें बहुत सारे रैशनल और इरेशनल थे जो कि इसमें कंटेन नहीं करते। एज दिस इंटरवल 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन, एज दिस इंटरवल 2 माइनस एप्साइलन कॉमा 2 प्लस एप्साइलन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर विच इज नॉट द मेंबर ऑफ कैपिटल एन, which is not the member of capital N. capital N, ठीक है, इस कारण से ये इसमें कंटेन नहीं किया। तो ये इसमें कंटेन नहीं किया, ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, और उस केस में N इंटीरियर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, बाकी नेक्स्ट है।